नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल टारगेट विद आलोक ऑनलाइन क्लासेस में, जहां मैं डॉक्टर ज्योति सिंह आपके साथ फिर से टीएचडी पीएचडी के नए बैच के लिए। जैसा आप सब जान रहे हैं कि टीएचडी पीएचडी के नई वैकेंसीज आ गई हैं, जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। तो इस नई वैकेंसीज के साथ हमारे संस्थान में फिर से नए बैच में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। इसके तहत हमने क्या किया है, फिर से बहुत महत्वपूर्ण तत्वों को लेकर हम लोगों ने शुरुआत की है, और इसमें प्रवेश प्रक्रिया जो आरंभ है, इसके लिए कई बार सबने बताया होगा, मैं भी आपसे बोल दूं कि ये हमारे यहाँ क्या है, व्हाट्सएप नंबर, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जिससे आप प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना को समझ सकते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त आपको अगर और विस्तृत जानकारी लेना है, कुछ और जानना है, तो आप क्या करें, इन नंबरों पे, जो नंबर आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इस पर संपर्क करके अपने सारी समस्याओं का निदान ढूंढ सकते हैं। देखिए, टीएचडी पीएचडी की वैकेंसी जहां हम लोग देख रहे थे कि इतनी मात्रा में आने के बाद मन में अजीब सा ये भय था कि फिर से ये वैकेंसी रुक गई है, कब ये गति पकड़ेगी, उसी गति को पकड़ाते हुए सरकार ने पहल कर दिया है, और हम भी इनके इस पहल के साथ आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आरंभ से ही फिर से प्रयासरत है। आइए हम लोग देखते हैं टीएचडी पीएचडी में ही जो हमारा राजनीतिक विषय का सब्जेक्ट है, जो हमारा राजनीतिक विज्ञान, जो कि एक सामाजिक विषय का अध्ययन होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम नागरिक शास्त्र शब्द से संबोधित करते हैं। हम इसी विषय के साथ आपके साथ, मैं डॉक्टर ज्योति सिंह और आप, इसी विषय को हल करेंगे। कोशिश मेरी ये होगी कि जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बने, जैसा पीछे मेरी कोशिश रही है, उसी कोशिश के साथ फिर से आगामी मेरी कोशिश होगी कि जितने भी प्रकार से घुमा फिरा के, जितने भी कठिन करके सवाल पूछे जाएं, हम उस सवाल के हल के लिए तत्काल सक्षम रहे, इतनी कोशिश मेरी होगी, और आपका इतना बस कार्य होगा कि बताए गए कोशिशों पर चलते रहे। तो इसमें हमें क्या करना है, राजनीतिक विषय में आज हम लेंगे राजनीतिक चिंतक। याद कर लीजिए इस बात को कि चिंतक अर्थात थिंकर, पॉलिटिकल थिंकर। किसी भी एग्जाम्स में, स्पेसिकली शिक्षक के एग्जाम की बात करें, तो ये जो पॉलिटिकल थिंकर्स अप्रोच होता है, ये जो पॉलिटिकल थिंकर्स पोर्शन होता है, हर एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा पॉलिटिकल थिंकर अप्रोच चाहे भारतीय राजनीतिक चिंतक हो, चाहे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक हो, इनकी अपनी विशेष भूमिका रही है, भारतीय राजनीतिक चिंतक की बात करें तो मन को भी ले लीजिए, कौटिल्य को ले लीजिए, गांधी जी को ले लीजिए, अंबेडकर जी को ले लीजिए। आप जितने भी इनके दर्शन और विचार पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय राजनीतिक चिंतन इनके बिना अधूरी थी। तो हमें इनमें अभी नेहरू जी, लोहिया, जयप्रकाश जी, इन सब की बात होगी, लेकिन ये केवल और केवल ये बता रहे हैं कि भारतीय राजनीतिक चिंतक में अगर इन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है, तो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक में पहला ही नाम अगर लिया जाए, प्लेटो, अरस्तु,
मैकियावेली, जीन जैक्स रूसो, इन सब की भूमिका रही है पाश्चात्य चिंतक में। पाश्चात्य चिंतक में इन सब की भूमिका रही है। इसका मतलब बिना इनके किसी भी प्रकार के हम एग्जाम को सॉल्व करना असंभव मान ले, जरूर इनके इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर होते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपने विचारों से, अपने दर्शन से एक युग को परिवर्तित किया है, वो भी उस काल में, उस कालखंड में, जिस कालखंड में लोग राजतंत्र को प्रभावी बनाकर अपने सारे उद्देश्यों को साधे रहे थे। उस समय उन सब का विरोध करके अपनी बातों को रखना अपने आप में एक बहुत असंभव और जटिल कार्य था। इन सब ने वो कार्य किया है। इसी पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास में सबसे पहला और प्रसिद्ध नाम अगर किसी का आता है, पाश्चात्य चिंतन के जनक कहलाते हैं प्लेटो, उनका आता है। पाश्चात्य चिंतन के जनक कहलाते हैं प्लेटो, उनका नाम आता है। प्लेटो जिनके हम बात कर रहे हैं, इनका कालखंड 428 से लेकर 347 ईस्वी पूर्व तक का होता है। 428 से लेकर 347 ईस्वी पूर्व तक का कालखंड किसका है? तो ये कालखंड है प्लेटो का। और प्लेटो के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, प्लेटो के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, तो हमें प्लेटो के न्याय दर्शन, राजनीतिक दर्शन, राज्य पर विचार, उनके राज्य की प्राथमिकता कितनी है, नागरिक की कितनी है, वो किस प्रकार के न्याय की चर्चा करते हैं और कैसे अपने दार्शनिक राजा के माध्यम से अपने न्याय को ये व्यवहारिक रूप प्रदान करना चाहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल प्लेटो को जानने के लिए आइए, प्लेटो का जन्म प्लेटो को जानने के लिए हमें सबसे पहले एक बार यूनान को जरूर जानना होगा। थोड़े ही शब्दों में यूनान को समझना होगा, बाकी तो जब हम पढ़ेंगे तब यूनान, एथेंस, स्पार्टा, वहां क्या कंडीशन चल रही है ये तो पढ़ेंगे। प्लेटो का जन्म 428 ईस्वी पूर्व में, 428 ईस्वी पूर्व में यूनान के एथेंस में हुआ था, यूनान के एथेंस में हुआ था। प्लेटो पाश्चात्य चिंतन के जनक कहलाते हैं। पाश्चात्य चिंतन के जनक कहलाते हैं। क्लियर है? जब यूनान में प्लेटो का जन्म हो रहा है, जब यूनान में प्लेटो का जन्म हो रहा है, उस समय सुकरात ऐसे प्रजातंत्र का, ऐसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो उस समय एथेंस में चल रहा था, उसका पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं और उसकी आलोचना कर रहे हैं। यानी यूनान में, एथेंस में इनका जन्म कहां हुआ है? तो एक राज परिवार के ही राज परिवार के ही तुलना के बराबर, अर्थात मान लीजिए राज परिवार में कार्य करने वाला, जहां राजनीतिक प्रभुता रही हो, ऐसे संपन्न परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पे ही पूरी हुई। क्यों? क्योंकि राज परिवार से संबंधित रखते थे, इस वजह से संपन्न थे और संपन्नता इतनी थी कि शिक्षा अच्छी मिल सकती थी। बात समझ में आ रही है? लेकिन उस दौरान जब ये यूनान में जन्म ले रहे हैं, तो यूनान कई भागों में, कई क्षेत्रों में बटा हुआ यूनान है। यूनान कई क्षेत्रों में बटा हुआ यूनान है, जिसमें प्रमुख नगर है एथेंस और दूसरा है स्पार्टा, जिसमें प्रमुख नगर है एथेंस और दूसरा है स्पार्टा। एथेंस क्या है? तो एथेंस और स्पार्टा जान लीजिए, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन ये यूनान के दो प्रमुख और प्रसिद्ध नगर हैं। एथेंस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र था और यहां
प्रत्यक्ष लोकतंत्र था और यहां प्रजातांत्रिक सरकार थी। ऐसी सरकार थी जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को धारण किए हुए थी और इसी एथेंस में, जहां पर प्लेटो का जन्म हो रहा है, इसी एथेंस में प्लेटो के गुरु सुकरात का भी जन्म हुआ है। प्लेटो के गुरु सुकरात का भी जन्म हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट बात इस एथेंस की क्या थी, यह एथेंस ऐसा प्रसिद्ध नगर है जहां मानसिक शिक्षा दी जाती थी। इसका मतलब यहां विचारक ज्यादा होंगे, यहां विचारक ज्यादा होंगे, यहां मानसिक शिक्षा दर्शन शास्त्र दी जा रही है। इस प्रकार के जितने तर्क वितर्क पर आधारित शास्त्र हैं उनकी बात हो रही है, अर्थात मानसिक शिक्षा दी जाती थी। स्पार्टा क्या था, तो सैन्य प्रमुख क्षेत्र था, सैन्य प्रमुख क्षेत्र था। और ऐसे स्पार्टा में व्यायाम की शिक्षा दी जाती थी, ऐसे स्पार्टा में व्यायाम की शिक्षा दी जाती थी। यहां तक क्लियर है कि प्लेटो का जन्म यूनान के एथेंस में हुआ है और एथेंस में क्या चल रहा है, सुकरात जन्म ले चुके हैं और सुकरात ऐसी प्रजातांत्रिक और प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार जो कि टोटली निरंकुश है, जो टोटली क्या करे भ्रष्टाचार पर आधारित सरकार है, उसका पूर्ण रूप से आलोचना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और स्पार्टा मैंने बताया, स्पार्टा और एथेंस में दुश्मनी है, यानी एक दूसरे के शत्रु नगर है और सैन्य प्रमुख क्षेत्र है। और क्या होता है स्पार्टा में, व्यायाम की शिक्षा दी जाती। अब देखिए क्या हुआ है, प्लेटो की प्लेटो के पिता का नाम अरिस्टोन है, प्लेटो के पिता का नाम अरिस्टोन है और माता का नाम पेरी कथियोन है, माता का नाम पेरी कथियोन है, पिता का नाम अरिस्टोन है। अब देखिए, पेरी कथियोन और अरिस्टोन से शब्द बना है प्लेटोन। क्या शब्द बना है, प्लेटोन। इसलिए माना जाता है कि प्लेटो के बचपन का नाम प्लेटोन था, प्लेटो के बचपन का नाम प्लेटोन था और अरिस्टोक्लीज था, अरिस्टोक्लीज था। किंतु इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर में हुई और इन्हें संगीत और कला से बड़ा प्रेम था। ये संगीत कला में अपना स्नेह दिखाते थे, इसलिए यही एक ऐसे विचारक हैं जिन्हें संगीत प्रेमी विचारक की संज्ञा दी गई है। ये ऐसे विचारक है जिन्हें संगीत प्रेमी विचारक की संज्ञा दी गई है और इनकी रुचि व्यायाम में भी काफी थी, इनकी रुचि व्यायाम में भी काफी थी। और बताया जाता है कि व्यायाम इन्हें इतना करते थे कि इनका जो कंधा था वो प्लेट जैसा चौड़ा हो गया था, ये इतना व्यायाम करते थे कि इनका कंधा प्लेट जैसा चौड़ा हो गया था। चौड़े प्लेट के कारण इनके व्यायाम गुरु ने, चौड़े प्लेट के कारण इनके व्यायाम गुरु ने इनका नाम प्लेटो रख दिया। क्लियर है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि प्लेटो अपने गुरु के प्रति कितनी ज्यादा श्रद्धा और आस्था भाव रखते थे। अब देखिए क्या हुआ है, इस घटना के बाद अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद, अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद प्लेटो
20 वर्ष की अवस्था में सुकरात के पास शिक्षा लेने गए। कहां गए? 20 वर्ष के बाद सुकरात के पास शिक्षा लेने गए। बताया जाता है, आप समझ लीजिए कि 14 से 20 वर्ष का काल किसी भी बच्चे के लिए वो काल होता है, वो काल खंड होता है जिसमें अगर वो किसी माता पिता या किसी गुरु के प्रति अपनी मन में प्रचुर मात्रा में आस्था बैठा ले, अथवा वो माता पिता अथवा वो गुरु उस व्यक्ति का, उस बच्चे का आदर्श बन जाए, तो वो आदर्श उसके आजीवन तक साथ चलता है। और यही हुआ है प्लेटो के साथ। जब ये वहां पहुंचे हैं तो प्लेटो अपने गुरु सुकरात के प्रति अत्यंत प्रगाढ़ आस्था रखते थे, अत्यंत प्रगाढ़ आस्था रखते थे। और बताया जाता है कि जब ये इनके पास गए तो कहा जाता है सुकरात किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे, तो याद रखिएगा सुकरात दर्शन शास्त्र के लिए प्रसिद्ध थे। और सुकरात तर्क वितर्क में, यानी तर्क वितर्क में निपुण थे। दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्लेटो ने सुकरात से ली थी और सुकरात तर्क वितर्क में क्या थे, निपुण थे। अब समझिए कंडीशन क्या हुई। प्लेटो सुकरात के पास शिक्षा ले रहे हैं और प्लेटो के मन में अपने गुरु के प्रति अगाढ़ प्रेम है, अगाढ़ आस्था है। इसी दौरान क्या कंडीशन बनती है कि सुकरात, जो कि एथेंस के राज परिवार से, एथेंस की सरकार से इसलिए नाराज थे कि वो एथेंस की भलाई के लिए, सभी के कल्याण के लिए कार्य नहीं करती थी, बल्कि वो कुछ समूह के, कुछ वर्गों के लिए कार्य करती थी, तो उनको क्या लगता था, ये भ्रष्ट सरकार है, इसको हट जाना चाहिए। तो इस प्रकार से माना जाता है कि सुकरात हमेशा क्या करते थे, सुकरात हमेशा सरकार की आलोचना करते थे और लोगों को दर्शन देते थे कि आप अपने कार्य स्वयं करें और सरकार से कहें इस सरकार को बदले और सब मिलकर अपने एथेंस को क्या करें, विकसित करें, अपने कार्य को और अपने अधिकार को मांगे। इससे क्या हुआ, सरकार के मन में, उस राज परिवार के मन में सुकरात के प्रति अब घृणा की भावना आने लगी। और प्रेम अगाढ़ किसके मन में है, प्लेटो के मन में है। अगाढ़ प्रेम प्लेटो के मन में है और घृणा किसके मन में है, राज परिवार के मन में है। अब क्या हुआ, इसके बाद इस घटना के कारण 399 ईस्वी पूर्व में एथेंस सरकार के द्वारा, अर्थात यूनान सरकार के द्वारा, सुकरात को मृत्युदंड दिया जाता है। सुकरात को मृत्युदंड दिया जाता है और सुकरात के मृत्युदंड देते ही प्लेटो के जीवन में वो परिवर्तन आता है कि ये यूनान छोड़ देते हैं और ये विश्व भ्रमण की ओर चल देते हैं। यूनान छोड़कर ये विश्व भ्रमण की ओर चल देते हैं और इनको लगता है कि अब दुनिया में सब समाप्त हो गया है। इन्हें स्वयं भी अपने राजनीति परिवार से संबंध रखने से, इवन एथेंस की सरकार से घृणा होने लगी। और यह परिवर्तन इनके जीवन में इस प्रकार का था कि प्रसिद्ध विचारक मैक्सी ने अपने विचार में व्याख्या करते हुए लिखा कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया, अर्थात प्लेटो बिना सुकरात के, बिना अपने गुरु के, अपनी किसी भी प्रकार की
अभिव्यक्ति को, अपने किसी भी प्रकार के अस्तित्व को नकार देते थे। बिना गुरु के वो मानते थे कि मेरा अस्तित्व नहीं है। तो मैक्सी ने कहा प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया और इसके बाद कहा गया कि सुकरात इतने भाग्यशाली थे, उन्हें प्लेटो जैसा शिष्य मिला। क्यों? क्योंकि सुकरात के अपने शब्दों में लिखे एक भी ग्रंथ नहीं है। हम आप आज भी सुकरात के बारे में जितना जानते हैं वो प्लेटो की देन है, जो उन्होंने अपने गुरु को समर्पित किया है, जो उन्होंने अपने गुरु को समर्पित किया है। अर्थात ऐसे गुरु की आदर्श भावना प्लेटो के अतिरिक्त कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, इन्हें त्रयी कहा जाता है, याद रखिएगा। पश्चिमी विचारक के जगत में प्लेटो, सुकरात और अरस्तु को त्रयी कहा जाता है। त्रयी की संज्ञा, गुरु शिष्य की प्रणाली जो चली है ये यहीं से आरंभ हुई है। बात समझ में आ रही है? अब क्या हुआ, प्लेटो विश्व भ्रमण पर चल दिए और मैक्सी ने कह दिया प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। अब प्लेटो भ्रमण करते करते मगध पहुंच गए। ये पूरी जगह का भ्रमण करते करते मगध पहुंचे और मगध में इन्होंने मगध की वर्ण व्यवस्था को देखा। मगध में इन्होंने मगध की वर्ण व्यवस्था को देखा, ऐसी वर्ण व्यवस्था जहां सभी लोग केवल अपने कार्यों से मतलब रखते हैं, केवल अपने कार्यों अथवा अपने कर्तव्यों से मतलब रखते हैं, प्लेटो बड़े प्रभावित हुए। प्लेटो इस वर्ण व्यवस्था से बड़े प्रभावित हुए और प्लेटो इस वर्ण व्यवस्था को अपने न्याय का आधार मान लेते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लेटो के न्याय का आधार क्या है, तो स्व कर्तव्य मूलक तो हम पढ़ाते हैं, स्व कर्तव्य मूलक तो हम पढ़ाते हैं। और मान लीजिए ऑप्शन में स्व कर्तव्य मूलक की बजाय कहां से लिया, तो मगध का वर्ण व्यवस्था अगर हो तो ऑप्शन वही सही है। प्लेटो क्या करते हैं, ऐसी वर्ण व्यवस्था से इतने प्रभावित होते हैं कि वो अपने न्याय का प्रमुख आधार ही मगध के वर्ण व्यवस्था को मान लेते हैं। कैसे, अगर पूछा जाए, ये तो मैंने आपको अप्रत्यक्ष बताया, लेकिन सच्चाई जो पढ़ते हैं हम लोग क्या है कि वो अपने न्याय का प्रमुख आधार ही स्व कर्तव्य मूल को मान लेते हैं, स्व कर्तव्य मूल को मान लेते हैं। अर्थात मगध के वर्ण व्यवस्था से प्रभावित होकर प्लेटो क्या कर रहे हैं, स्व कर्तव्य की बात कर रहे हैं। और यहां से फिर प्लेटो के जीवन में परिवर्तन होता है और प्लेटो फिर यूनान में लौट आते हैं। यूनान में कहां जन्म हुआ था, एथेंस, तो एथेंस लौट आए। और एथेंस में जब ये लौट आए तो इन्होंने यहां पर अकादमी नामक एक संस्थान की स्थापना की, अकादमी नामक एक संस्थान की स्थापना की, जिसे ऐसे अकादमी को इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है। याद रखिएगा, अकादमी से संबंधित बहुत क्वेश्चन बनता है, इसलिए इस पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग इसको पढ़ लें। इसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय भी कहा गया है, यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय भी कहा गया है। क्लियर है? ये सर्वश्रेष्ठ संस्थान भी माना जाता है, ये यूरोप का पहला सर्वश्रेष्ठ संस्थान भी माना जाता है। ऐसे अकादमी के प्रवेश द्वार पर लिखा था, ऐसे अकादमी के प्रवेश द्वार पर लिखा था जिसे गणित और ज्यामिति का जानकारी ना हो, जिसे गणित और ज्यामिति की जानकारी ना हो अथवा गणित और ज्यामिति का अध्ययन ना हो, वह अकादमी में प्रवेश ना ले, वह अकादमी में प्रवेश ना ले। किंतु ऐसे अकादमी में दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी,
ऐसे अकादमी में दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, किंतु इसके प्रवेश द्वार पर लिखा था कि जिन्हें गणित और ज्यामिति का अध्ययन ना हो वो क्या करें, वो ऐसे अकादमी में प्रवेश ना लें। इसके बाद क्या हुआ है, अब अकादमी आरंभ हो गई है और यूनान के एथेंस में प्लेटो लौट आए हैं, तो प्लेटो ने आगे चलकर क्या किया है, प्लेटो ने आगे चलकर 380 ईस्वी पूर्व में, अच्छा याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि अकादमी की स्थापना कब किया, अकादमी की स्थापना इन्होंने 387 ईस्वी पूर्व में किया। अकादमी की स्थापना कब हुई है, 387 ईस्वी पूर्व में हुई है, और इसमें दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जा रही है, यूरोप का प्रथम सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय माना जाता है, इसके प्रवेश द्वार पर लिखा गया है जिसे गणित और ज्यामिति का ज्ञान ना हो वो इस अकादमी में प्रवेश ना करे। 380 ईस्वी पूर्व में प्लेटो ने, 380 ईस्वी पूर्व में प्लेटो ने रिपब्लिक की रचना की है, रिपब्लिक की रचना की। ये क्या है, तो माना जाता है ये प्लेटो की सबसे पहली पुस्तक, प्लेटो की सबसे पहली पुस्तक है रिपब्लिक, जिसकी रचना कब हुई है, 380 में हुई है। इस पुस्तक में प्लेटो ने एक दार्शनिक राजा का उल्लेख किया है, कौन से दार्शनिक राजा, जिससे याद करिए आप सुकरात को मृत्युदंड देने के बाद यूनान छोड़ चुके हैं, ऐसे राज परिवार से, ऐसे राजा से, ऐसे शासक से प्लेटो के मन में घृणा हो गई है, इसलिए प्लेटो क्या चाहते हैं, मेरा राजा निर्लिप्त बुद्धि का हो। निर्लिप्त बुद्धि होती है जिसमें इस प्रकार बुद्धि ना हो जो काम क्रोध इन सब में लिप्त हो, तो कैसा चाह रहे हैं, निर्लिप्त बुद्धि का हो जो सबके साथ समान रूप से न्याय करे, और वही न्याय करके क्या करेगा, वो विवेक के साथ सब पे कार्य करेगा और पूरे यूनान में न्याय व्यवस्था कायम करेगा। ऐसा दार्शनिक राजा जो व्यवहार में नहीं है, जो कौन है, तो जो प्लेटो की कल्पना है, लेकिन प्लेटो उसे व्यवहारिक रूप देना चाहते हैं, प्लेटो उसे व्यवहारिक रूप देना चाहते हैं, प्लेटो ऐसे राजा को क्या करना चाह रहे, व्यवहारिक रूप देना चाह रहे, और व्यवहारिक रूप देने के लिए ही इन्होंने रिपब्लिक में क्या किया है, इन्होंने कहा है कि मैंने ऐसे दार्शनिक राजा को व्यवहारिक रूप देने के लिए सिसिली की राजधानी, सिसिली की राजधानी सिराक्यूज राज के राजा डियोनीसिस प्रथम को आधार माना है। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सिसिली की राजधानी सिराक्यूज राज्य के राजा डियोनीसिस प्रथम को इन्होंने क्या किया है, आधार माना है दार्शनिक राजा का, किंतु बाद में इन्होंने बताया कि ये जो राजा दार्शनिक राजा है ये इनके आधार के हिसाब से स्पष्ट रूप से व्याख्यायित नहीं हुआ, इसलिए इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा प्लेटो पर। अब प्लेटो ने आगे चलकर रिपब्लिक के बाद, रिपब्लिक इनकी पहली पुस्तक है याद रखिएगा, रिपब्लिक के बाद इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने द लॉज का जब ऐसे व्यवहारिक राजा को ये नहीं पाए तो क्या हुआ, इसका इन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा, इन्होंने द लॉज नामक पुस्तक लिखी, द लॉज नामक पुस्तक लिखी। ये पुस्तक प्लेटो की सबसे बड़ी ग्रंथ है, प्लेटो का सबसे बड़ा ग्रंथ कोई है, द लॉज है,
और बताया जाता है यही प्लेटो की जो द लॉज है, इसी द लॉज के समय अरस्तु इनके बड़ा करीब था, जिस पर विधि के शासन का बड़ा प्रभाव पड़ा है, जिस पर विधि के शासन का बड़ा प्रभाव पड़ा है। क्यों? क्योंकि द लॉज में विधि के शासन पर जोर दिया गया है, द लॉज में विधि के शासन पर जोर दिया गया है और माना गया है कि जो मेरा राजा है वो राजा व्यवहार में नहीं आ सकता, इसलिए क्या किया जाए, जिस कानून से मैं घृणा करता हूं उसी कानून के को आधार बनाकर कानून में परिवर्तन की मांग की जाए और ऐसे ही कानून की बात की जाए। इसलिए इन्होंने दी लॉज रखा, जो अब तक की इनकी सबसे बड़ी ग्रंथ हुई। और देखिए इसके बाद जब ये वास्तविकता के करीब आए, जब प्लेटो वास्तविकता के करीब आए कि दार्शनिक राजा किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता, तो इन्होंने अपने ही बातों को रिपब्लिक में कही गई बातों को द लॉज में खंडन कर दिया, यानी जो इन्होंने रिपब्लिक में दार्शनिक राजा कहा था, धीरे धीरे प्लेटो को एहसास हो गया कि ऐसा राजा हो नहीं सकता, इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिपब्लिक की ही बातों को दलाज में खंडन कर दिया, और खंडन करते ही समझा दिया कि दलाज किससे संबंधित है, दलाज विधि के शासन से संबंधित है। अब देखिए रिपब्लिक को कुल 10 भागों में बांटा है, प्लेटो ने रिपब्लिक को कुल 10 भागों में बांटा है, लेकिन याद रखिएगा भले ही द लॉज इन्होंने लिख दिया, प्लेटो ने द लॉज लिख दिया, लेकिन प्लेटो के वास्तविक उपयोगिता, वास्तविक महत्व कहीं दिखता है तो रिपब्लिक में दिखता है, जहां इन्होंने आरंभ कर दी थी। द लॉज की आधारशिला कोई है अगर पूछा जाए क्वेश्चन में तो कौन सी है, रिपब्लिक, जो इनकी प्रथम पुस्तक है, जिसमें इन्होंने एक बार कोशिश तो की, बता तो दिया न्याय का, और यही रिपब्लिक है, याद रखिएगा यही रिपब्लिक है जिसमें इन्होंने पहली बार न्याय का उल्लेख किया है। रिपब्लिक को कुल 10 भागों में बांटा है और इसी रिपब्लिक में न्याय का उल्लेख किया है, इसी रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय का उल्लेख किया है। लेकिन सवाल अभी भी है दोस्तों, न्याय शब्द का पहली बार प्रयोग यहां नहीं हुआ है, ये केवल वर्ण व्यवस्था को आधार बनाकर न्याय ला तो दिया रिपब्लिक में, जो स्व कर्तव्य पर आधारित है। और ये उन्होंने क्या कहा, इन्होंने पूरे रिपब्लिक में स्व कर्तव्य दिखाया, स्व कर्तव्य, लेकिन इन्होंने कहीं भी न्याय शब्द नहीं दिया है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और आपको समझना है कि जो रप दीप लॉज है उसके पहले जो लिखी गई है रिपब्लिक, जो इसके पहले लिखी गई है रिपब्लिक, वो क्या है, वो 10 भागों में बटी हुई है और इसमें न्याय का उल्लेख है। किंतु अर्नेस्ट बार्कर क्या करते हैं, अर्नेस्ट बार्कर ऐसे रिपब्लिक को 5 भागों में विभक्त करते हैं, पांच भागों में कौन मान रहा है, अर्नेस्ट बार्कर मान रहे हैं। और अर्नेस्ट बार्कर रिपब्लिक को 5 भाग में मानते हुए इस पर टिप्पणी भी करते हैं, टिप्पणी क्या करते हैं, यह मानव दर्शन को पूर्ण रूप से व्याख्यायित करता है, यह मानव दर्शन को पूर्ण रूप से व्याख्यायित करता है। अब देखिए लियो स्ट्रास है एक, लियो स्ट्रास ने रिपब्लिक को 4 भागों में बांटा,
लियो स्ट्रास ने रिपब्लिक को कुल चार भागों में बांटा। जबकि रसल महोदय ने रिपब्लिक को तीन भागों में बांटा है। याद रखिएगा ये क्या है, ये लोग बता रहे हैं। किसी ने कहा, प्लेटो ने कहा रिपब्लिक मेरी दस भाग में है, अर्नेस्ट बार्कर ने कहा नहीं आपकी रिपब्लिक पांच भाग में है, लियो स्ट्रास कह रहे हैं आपके चार भाग है, रसल ने कहा तीन भाग। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, ये पढ़ रहे हैं जो उनके ग्रंथों का एक दूसरे से मिलता हुआ, जैसे राज और राजनीतिक विचार। तो हो सकता है रसल में दो तीन विचार, दार्शनिक राजा राज्य और राजनीतिक विचार को एक बनाकर उसका एक बड़ा भाग कर दे रहे हो, तब जाके इसी प्रकार जब कई चीजों को मिलाकर एक बड़ा भाग कर देंगे तो पब्लिक तीन भाग में सिमट जा रही है। लियो स्ट्रास ने उनसे थोड़ा सा ज्यादा व्यापक रखा तो चार भाग। इसका मतलब केवल और केवल यह है किसने कितने भाग में बांटे, किसने रिपब्लिक पर क्या कहा, हमें यह पढ़ना है, हमें यह पढ़ना है क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बनेगा जरूर। याद रखिएगा चिंतक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना चिंतक के नैया पार नहीं होगी, इसलिए चिंतक पढ़ना ही पढ़ना है। अब देखिए क्या है, इसके बाद अगर कहा जाए कि रिपब्लिक और द लॉज के बाद, या एक चीज और पहले पढ़ लीजिए द लॉज। अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन पूछ ले कितने भागों में बटा है, कुल 12 भागों में बटा है, द लॉज कुल 12 भागों में बटा है, एक बात। दूसरी एक चीज और जान लीजिए, प्लेटो की तीसरी पुस्तक कौन थी, तो द स्टेट्समैन थी। द स्टेट्समैन थी जो रिपब्लिक और द लॉस के बाद तीसरी प्रमुख पुस्तक थी। और ऐसे द स्टेट्समैन में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कई देशों के संविधान को पढ़ने के बाद संविधानों का वर्गीकरण किया है, क्लियर है किसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक ही उठाया है, प्लेटो की तीसरी पुस्तक थी द स्टेट्समैन। द स्टेट्समैन में इन्होंने क्या किया है, संविधानों का वर्गीकरण किया है। इसके बाद इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है मीनो। इन्होंने क्या किया है, मीनो नामक ग्रंथ लिखा है, और ऐसे मीनो नामक ग्रंथ में पहली बार न्याय शब्द का उल्लेख किया है। न्याय शब्द का प्रथम बार उल्लेख इसी मीनो नामक पुस्तक में किया है, जबकि न्याय को ला दिया था, यानी न्याय शब्द मात्र है मीनो में, मीनो में न्याय शब्द है और रिपब्लिक में न्याय के बारे में बताया है, और न्याय शब्द का पहली बार प्रयोग कहां है, मीनो नामक ग्रंथ में है। इसका मतलब द स्टेट्समैन, और याद रखिएगा इनकी तीसरी पुस्तक और महत्वपूर्ण पुस्तक मीनो केवल इस चीज के लिए है क्योंकि इसमें इन्होंने पहली बार न्याय शब्द का प्रयोग किया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लेटो की न्याय का मुख्य आधार क्या है, स्वकर्तव्य है। ऐसे स्वकर्तव्य की प्रेरणा कहां से मिलती है, मगध साम्राज्य से, जब ये सुकरात के मृत्यु के बाद यूनान छोड़कर विश्व भ्रमण की ओर चले जाते हैं तब यह घटना घटती है। बात समझ में आ रही है। इसके बाद अगर हम लोग अब जब भी पढ़ेंगे हम लोग, इसके अलावा प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा पर टिप्पणी क्या की है, और लोगों ने कैसे कहा है कि प्लेटो का दार्शनिक राजा खुद प्लेटो है, यानी प्लेटो की कल्पना है और प्लेटो की कल्पना जीरो है।
कैसे प्लेटो फिर राज्य को बृहद मान लेंगे, नागरिक को क्या मानेंगे, इस पर चर्चा की जाएगी। बाकी और भी चिंतक की हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो याद रखिए, बिना चिंतक के बार बार मैं बता रही हूं, नैया पार नहीं होनी है। इसलिए फिर से समझ लें और चिंतक को जरूर पढ़ें। और कोशिश हमारी यही है कि आपके इस समस्या का निदान हम बहुत आराम से, सहज तरीके से कर सके। थैंक यू सो मच।